हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो मिसाइल सिस्टम है या फिर मिसाइल जो कितने तरीके के होते हैं और उसमें से अलग अलग कैटेगरी जो कैटेगरीज होती हैं वो जो है कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है जो आज अभी आप देख रहे हो ये कल ही आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि यूट्यूब पर जैसे ही अपलोडिंग के लिए लगा वीडियो, थोड़ी देर अपलोड हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अपलोडिंग नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो डिलीट करनी पड़ गई, और उसे डिलीट करने के बाद सोचा फिर से अपलोड कर दे तो गैलरी से भी डिलीट हो गई। तो इसीलिए जो कल का आपका लेक्चर वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है, तो आज जो है कल जो होने जो वीडियो कल आपको मिलने वाला था वो आज जो है आप देख रहे हो। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं कि मिसाइल सिस्टम कैसा है भारत का और मिसाइल कितने तरीके की होती है। सबसे पहले तो हम ये समझे, तो देखो सबसे पहले होता है, एक होता है क्रूज, जिसे हम कहते हैं क्या, एक पहले टाइप का होता है क्रूज मिसाइल, उसके बाद है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये मिसाइल की दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्रूज और बैलिस्टिक। ठीक है, अब क्रूज मिसाइल में क्या होता है, जैसे मान लो कि मिसाइल यहाँ पर है और मिसाइल का टारगेट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, मिसाइल का टारगेट मान लो यहाँ पर है, तो क्या करेगी, मान लो ये क्या है, टारगेट है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, यहाँ मिसाइल रखी हो तो डायरेक्ट जो है सीधे जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लो मिसाइल यहाँ पर है और इसका टारगेट है ये, इसको इस पे अटैक करना है, तो ये क्या करेगी, पैराबोला शेप बनाते हुए जाएगी और इसको अटैक करेगी। ठीक है, इस पर अटैक करेगी। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस होता है कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या करती है, पैराबोला शेप बनाते हुए चलती है। ठीक है, दोनों सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये, और ये डिफरेंस एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सीरियसली होके पढ़ना है। तो देखो अब उसके बाद क्या होता है कि जो क्रूज मिसाइल होती है इसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो कि टारगेट पहले ए प्लेस पे था, बाद में हो गया शिफ्ट बी प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे, रिमोट की सहायता से टारगेट को हम जो हमारा मिसाइल है उसको हम बी पर फोकस कर देंगे। ठीक है, तो जाके बी को अटैक कर देगा। ये सिस्टम होता है किसमें, क्रूज मिसाइल में। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि टारगेट है, यहाँ से इसको छोड़ा गया, तो अब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ये कोई जब टारगेट है यहाँ पर है तो ये टारगेट हट जाएगा अगर, तो भी जाकर ये यहीं पे अटैक कर सकता है। ठीक, अटैक करेगा। तो इसीलिए जो है हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि क्रूज मिसाइल को ज़्यादातर मतलब देती हैं, उसको प्रायोरिटी देती हैं कि हाँ हमें क्रूज मिसाइल ही यूज़ करना है, क्योंकि इसको हम किसी भी तरीके से अपने तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में जो है क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है, तो जी हाँ बिल्कुल है, तो इंडिया तो क्यों पीछे रहेगा। तो देखो इंडिया के पास क्या है, क्रूज मिसाइल है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। ठीक है, नाम क्या है, ब्रह्मोस। क्रूज मिसाइल है उसका नाम है ब्रह्मोस। ठीक है, और इसको बनाया गया है, देखो ब्रह्मोस का मतलब क्या है, यहाँ पे दो अलग करो, दोनों शब्दों को अलग करो, ब्रह्म और मोस। ठीक, ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और उसके बाद मोस का जो पीछे मोस लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, मोस्कोवा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, इंडिया में है, और जो मोस्को रिवर है वो कहाँ पर है, रशिया में है। तो ये इंडिया और रशिया ने आपस में मिलकर इस ब्रह्मोस को डेवलप किया है। ठीक है, और अभी जो है हाल ही में जो इंडिया है वो ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है वो फिलीपींस को जो है डिलीवर करने वाला है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सभी देशों के पास ब्रह्मोस होते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रशिया की टेक्नोलॉजी, और रशिया टेक्नोलॉजी किसी को भी नहीं देता है, प्रोडक्ट दे देगा। ठीक, लेकिन अभी इंडिया के पास ही ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इंडिया को उसने तो दे दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि आपसे कहा जाए कि रशिया अगर हमें टेक्नोलॉजी दे दे, तो टेक्नोलॉजी नहीं देता है जल्दी किसी को भी। तो जो इंडिया है वो ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है वो देगा किसको, फिलीपींस को देगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर हम कहें क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है भारत की, तो उसका नाम क्या है, पृथ्वी वन, जो कि क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है, पृथ्वी वन, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो चलो इतना तो आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद जो है हम बात करें कि मैग क्या होता है और अलग अलग तरीके की जो जैसे हाइपरसोनिक सुपरसोनिक इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सबसे पहले देखो मैग क्या होता है, मैग को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड, और अगर हम अपॉन कर दें किसका, साउंड का स्पीड, साउंड की जो स्पीड है, यानी कि
साउंड की स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को डिवाइड करते हैं तो निकल कर आता है एक, जो भी निकल के आता है उसे हम नाम किस नाम से जानते हैं, मैक के नाम से, ठीक है। ये जो है किसी भी मिसाइल की स्पीड को हम मान सकते हैं, ठीक। तो देखो जो मिसाइल्स होती हैं वो इसमें स्पीड के मामले में चार तरीके की होती हैं। पहला होता है सबसोनिक, उसके बाद है सेकंड नंबर ट्रांसोनिक, उसके बाद है थर्ड नंबर पर सुपरसोनिक, सुपर सोनिक, और फोर्थ नंबर पर क्या है, हाइपर सन, ठीक है। तो ये चार तरीके की मेन मिसाइल्स होती हैं जिनका जो हम बात करें कि जो मैक यानी कि स्पीड होता है वो अलग अलग कैसे होता है, आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये जो मैक है यानी कि स्पीड है किसकी, सुपरसोनिक जैसे मिसाइल्स की, तो अगर क्या है कि किसी मिसाइल की अगर जो स्पीड है वो 1 मैक से कम है, अगर मैंने क्या कहा ध्यान से सुनना, अगर किसी मिसाइल की जो स्पीड है वो 1 मैक से कम है तो उसको हम रखेंगे सबसोनिक की कैटेगरी में, ठीक। सबसोनिक की कैटेगरी में तो हमने रख दिया इसकी स्पीड, जिसकी स्पीड क्या हो 1 मैक से कम हो, लेकिन अगर 1 मैक के बराबर हो जाती है तो हम उसे किस नाम से जानेंगे, तो हम उसको जानते हैं ट्रांसोनिक के नाम से, जो कि सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं, ठीक। चलो मान लिया 1 से कम हो गए तो हमने रख दिया किसमें, सबसोनिक में, 1 के बराबर हो गए तो हमने रख दिया ट्रांसोनिक में, ठीक है। लेकिन अगर 1 से ज्यादा होता है तब किसमें हम रखेंगे, तब उसको रखेंगे हम किसमें, सुपरसोनिक की कैटेगरी में, ठीक है। और अगर 1 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है, 1 से ज्यादा 5 से कम, तो उसको हम रखते हैं सुपरसोनिक में। लेकिन अगर 5 मैक से ज्यादा किसी की स्पीड होती है, 5 मैक या फिर 5 मैक से ज्यादा, तो उसको हम रखते हैं हाइपरसोनिक की कैटेगरी में। तो ये चारों कैटेगरीज आपको याद रखनी, 1 तो है 1 के 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा और 5 से ज्यादा, ठीक है। 1 से जो कम होगी वो होगी कौन सी मिसाइल, सबसोनिक, 1 के बराबर ट्रांसोनिक, 1 से ज्यादा और 5 से कम तो उसको हम रखेंगे सुपरसोनिक में, और अगर 5 से ज्यादा होती है तो उसे हम रखते हैं हाइपरसोनिक की कैटेगरी में, ठीक है। 5 या फिर 5 से ज्यादा तो होगा हाइपर। तो देखो आज तो मैंने आपको समझा दिया है कि मिसाइल में जो स्पीड तरीके की स्पीड से हम किस तरीके से तो अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, और मैक क्या होता है मैक भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आपके लिए आज नया सा ये टॉपिक रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी रहा होगा, तो आपको समझ में आया हो, कैसे भी आपको जो भी पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और समझ में आया है आपको कि नहीं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगले वीडियो में भी हम थोड़ा सा अलग हटके ही कुछ ऐसा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, और क्वेश्चन में 100% अगर ये जो है ये टॉपिक अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर चैनल आपको सही लगता है या फिर आप चाहते हैं या फिर आपकी जो यहाँ पर जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं आपको सही समझ में आता है तो आप आगे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।